तो गाइस स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है रुपेन शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास है साइंस की तीसरी क्लास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आते हैं मैक्सिमम साइंस के क्वेश्चन। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है किससे? वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फैदोमीटर द्वारा मापा जाता है क्या? तो फैदोमीटर द्वारा मापा जाता है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में नहीं आएगा, पर क्वेश्चन आ गया करके मैं आपको क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है धूरी की इकाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष धूरी की इकाई है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वीडियो पे आखिर तक बने रहेंगे। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन बी प्रत्यक्षता। हुक का जो नियम होता है वो प्रत्यक्षता के नियम से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है इसलिए उसके तली पे फैल जाता है, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? तो दांत के डॉक्टर के पास क्या दर्पण होता है? वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है ना। ओके, कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में ऑप्शन सी परवलयकार अवतल का दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण आता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में अवतल दर्पण आता है। क्या आता है? अवतल दर्पण आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही है, है ना। तो अगर आप इस चैनल में नए होंगे, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होता है। दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु नहीं देख पाएगा तो दूर दृष्टि दोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मोसले। पीरियोडिक टेबल आवर सारणी से भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। देखते अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था? तो आधुनिक आवर सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। ऑप्शन ए के अनुसार तत्वों को रखा गया, सुनियोजित किया गया। क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या थी 9। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की कुल संख्या कितनी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती है ना 7 थे, ठीक है, बिल्कुल। उसके वर्ग उसके आवर्त से क्वेश्चन बनते हैं, उसके द्रव्यमान से क्वेश्चन बनते हैं, उसके तत्वों से क्वेश्चन बनते हैं, आवर्त सारणी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया है ना, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को क्लिक करेंगे, और बेल आइकन भी क्लिक कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, है ना।
और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, वैसे बच्चों को भेजिए जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, दोस्तों को भेजिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजनों के लग गए तो जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है ना। इसी इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय।